व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी आप कोई न्यू स्मार्ट वॉच परचेस करने के लिए प्लानिंग करते हो तब आपको सेम प्राइस पॉइंट के दो डिफरेंट स्मार्ट वॉच के बीच में काफी कंफ्यूजन रहता है। और ये कंफ्यूजन अभी बोट एक्सटेंड टॉक एंड बोट वेव कनेक्ट के बीच में काफी हो रहा है। अभी दोनों स्मार्ट वॉच की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बट आप सबके लिए गुड न्यूज है, यहाँ पे इस दिवाली से मैं दोनों स्मार्ट वॉच को अंडर 2500 रुपीस में परचेज कर सकते हो, जो दोनों के लिए बहुत ही फेयर प्राइस है। सो आपको वीडियो को देखने के बाद दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच को परचेज करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं आपको वीडियो में दोनों स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोनों स्मार्ट वॉच के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताने वाला हूँ, और आपको अपने चॉइस के हिसाब से, आपको अपने यूज के हिसाब से दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच को परचेज करना चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो आप वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, प्लीज तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने एक साथ दोनों स्मार्ट वॉच को पहना हुआ है। अगर हम बात करें वेट के बारे में, दोनों स्मार्ट वॉच का वेट सेम 43 ग्राम है, जो बहुत ही लाइट वेट है। लुक एंड फील आपको दोनों बहुत ही सुपर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुपर एंड प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है वो है कलर ऑप्शन का। यहाँ पे का बोट वेव कनेक्ट में ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे कलर अवेलेबल है, जहाँ पे बोट वॉच एक्सटेंड में आपको ब्लैक, ग्रीन एंड पिंक कलर अवेलेबल है। सो आपको इस तरह से दोनों स्मार्ट वॉच में कलर ऑप्शन में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे और एक बार नोट करने लायक है, यहाँ पे बोट वेव कनेक्ट में आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको ग्रे स्ट्रैप एंड गोल्डन डैम मिलेगा, इस तरह से आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे वो कौन से कलर की स्मार्ट वॉच परचेस करें उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई स्मार्ट वॉच को परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच में पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, राइट साइड में आपको पावर बटन एंड नीचे आपको माइक मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों स्मार्ट वॉच में 22mm का सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं, जिसको बहुत ईजिली आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरचेंजेबल आपको स्ट्रैप मिलते हैं, और बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट्स एंड आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, और दोनों स्मार्ट वॉच को बोट वेव एप्लीकेशन की हेल्प से अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है एप्पल डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी में। यहाँ पे आप बोट एक्सटेंड टॉक स्मार्ट वॉच को iOS वर्जन 13 एंड अबो के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक आप 13, 14, 15, 16 के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और आप बोट वेव कनेक्ट को आप iOS वर्जन 9 एंड अबो के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक आप 9, 10, 11, 12, 13 के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास ओल्ड आईफोन है जिसमें वो iOS वर्जन आपका बहुत ही पुराना है, तो आप दोनों में से बोट वेव कनेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको कनेक्टिविटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी के बारे में, मैंने चेक किया दोनों स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद बोट वेव कनेक्ट आपको मैक्सिमम 6 to 7 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अगर आप स्मार्ट वॉच कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे फिर भी आपको मैक्सिमम 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद बोट वेव एक्सटेंड आपको मैक्सिमम 8 to 9 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अगर आप स्मार्ट वॉच को कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे फिर आपको आराम से 5 to 6 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। सो आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के बीच में बैटरी लाइफ के लिए बहुत ही माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साथ में बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच में 1.69 इंच HD डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है, डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है, टच स्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। सो आप दोनों स्मार्ट वॉच में बहुत ही इजीली डिफरेंट मोड में नेविगेट कर पाओगे। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच में बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, सो बहुत ही इजीली आप दोनों स्मार्ट वॉच को इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में यूज कर पाओगे। सो आपको दोनों स्मार्ट वॉच में इस प्राइस में सबसे बेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का फीचर मिलता है, और आपको अमेजन एलेक्सा का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आप दोनों स्मार्ट वॉच में बहुत ही इजीली एंड डिस्टेंस फ्री आप कॉलिंग कर पाओगे। अमेजन एलेक्सा बहुत ही परफेक्टली काम करता है। यहाँ पे मैं दोनों स्मार्ट वॉच का सेपरेट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके सीधे वीडियो को वॉच कर सकते हो, वहाँ पे पूरे आपको इन डेप्थ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं दोनों स्मार्ट वॉच की UI के बारे में। यहाँ पे बोट एक्सटेंड टॉक में 150 प्लस वॉच फेसेस दिखने को मिलते हैं, जहाँ पे बोट वेव कनेक्ट में आपको 100 प्लस वॉच फेस दिखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे और एक डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे बोट एक्सटेंड टॉक की UI में आपको एस कम्पेयर टू बोट वेव कनेक्ट थोड़ा सा वो कम आपको वॉच फेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्ट वॉच में 60 प्लस वॉट्स मोड मिलते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे आप सारे मोड्स को बहुत ही इजिली यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम सब कुछ आपको मिलेगा। सारे सेंसर्स बहुत ही एक्यूरेट काम करते हैं। और यहाँ पे को दोनों स्मार्ट वॉच में और एक फीचर मिलेगा जिसका नाम है एम्बियंट साउंड, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। सो यहाँ पे को दोनों स्मार्ट वॉच में काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। और आपको दोनों स्मार्ट वॉच में IP68 वाटर प्रूफ फिटिंग होता है। सो आप स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, सावे के टाइम यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप दोनों स्मार्ट वॉच को अंडर वाटर स्विमिंग टाइम में यूज कर पाओगे, फिर भी आपकी स्मार्ट वॉचेस खराब नहीं होगी। सो अभी आपको दोनों स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। दोनों बहुत ही सुपर स्मार्ट वॉच है, सारे आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे। और आपको दोनों स्मार्ट वॉच के सारे डिफरेंस के बारे में पता चल चुका है। सो आप खुद के लिए कोई स्मार्ट वॉच सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो को यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हम सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं वीडियो में। बाय।